नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 15 वर्षों से लगातार मांग करते चले आ रहे हैं कि तुलाई केंद्र और कांटे बढ़ाई जाए, जिससे किसानों को अपनी तुलाई के लिए कई कई दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़े। लेकिन देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के अंदर किसान भाई लगातार परेशान हैं। कई दिनों तक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ इंतजार करते रहते हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। हम 15 साल से चल रहे हैं कि किसान भाइयों को तुलाई के समय पर 8-8 दिन लाइन में लगाना रहना पड़ता है, भूखा प्यासा लगा रहना पड़ता है, छलने के नाम पे पैसा मांगा जाता है, SMS के नाम पे पैसा मांगा जाता है, तुलाई में 50 किलो के बोरे में 55 किलो गल्ला लिया जाता है, 4-4 किलो 3-3 किलो किसान के गल्ले को चोरी किया जाता है। इस पे आज तक मध्य प्रदेश में कोई कार्रवाई नहीं हुई और जानबूझकर ये कांटे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर तुलाई केंद्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, वो चाहते हैं कि तुलाई में 8-8 दिन जब किसान परेशान लाइनों में लगेगा तो उन्हीं के दलाल जाकर फिर ये कहते हैं कि अगर आपको तुलाई जल्दी कराना है तो 2000-3000 रुपये ट्राली का दो, हम आपके तुलाई जल्दी करा देंगे। मध्य प्रदेश सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि जब अगर किसान हितैषी है तो तुलाई केंद्र बढ़ाने में और कांटे बढ़ाने में उनको क्या दिक्कत है? जो किसान हमारा 8-8 दिन परेशान होता है, तुलाई केंद्र बढ़ा दिए जाएँ और कांटे बढ़ा दिए जाएँ तो भीड़ नहीं होगी, किसान सुविधा अनुसार 1-2 दिन में अपनी तुलाई करके घर पहुँच जाएगा। पर चूँकि इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाभ देना है, ना कि किसानों को लाभ देना, इसलिए वो भीड़ करके किसानों परेशान करके लूटने ढंगने का काम इस प्रदेश में हो रहा है। दुर्भाग्य देखिए मुख्यमंत्री का, क्योंकि किसान के पुत्र जरूर हैं पर 40 साल से किसान पुत्र नहीं बचे। आज भी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे अति पिछड़े एरिए जहाँ मोबाइल नहीं है, जहाँ किसानों के पास में संसाधन नहीं है, कई हैं, तो वो किस तरीके से इसका लाभ लेंगे योजनाओं का? ये सिर्फ दिखावे के लिए और गुमराह करने के लिए काम है। और मैं तो फिर भी कह रहा हूँ, मैं 7 साल से इस बात को कह रहा हूँ कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं बनती हैं उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि हम अपने भारतीय जनता पार्टी और RSS के कार्यकर्ताओं को कैसे लाभ पहुँचाएँ। सारी योजना उनके लिए बनती है, उनका लाभ उनको मिलता है। 20 खाद की जो सोसाइटियाँ दी गई तो उनको दी गई, तुलाई केंद्र दिए गए तो उनको दिए गए, राशन पानी की दुकानें दी गई तो उनको दिए गए। आज पूरे प्रदेश में वो लूटने ठगने का काम ये सोसाइटी और तुलाई केंद्रों पर हो रहा है, शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हो रहा है। कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती, हम लोग कई जगह पकड़ते हैं तुलाई केंद्रों पर जाकर कि चोरी हो रही है, 8-8 दिन से किसान भूखा प्यासा है, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। जिला प्रशासन इतना डरा और सहमा हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है कि वो कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं होता। हमारी मांग है मुख्यमंत्री जी से, अगर किसान हितैषी हैं तो गाँव-गाँव जाकर, आपके पास पंचायत सचिव है, आपके पास पटवारी है, सारे लोगों को आप प्रशिक्षण दिलवाएँ और जो कृषि योजना की लाभ मिलते हैं उनके लिए उनको लाभ दिया जाए। किसान कल्याण योजना की बात करते हैं, हमारे यहाँ कई किसान भाई बिजली की करंट से खेती के समय खत्म हो गए पर 1 रुपया उनको नहीं मिला, सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं। सर, एक तो कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं, देखिए हमने जो किसान माननीय कमलनाथ जी की मंशा थी कि गरीब मजदूर नौजवानों को गाँव-गाँव जाकर कांग्रेस से जोड़ा जाए सदस्यता के माध्यम से, तो हमने एक चुनौती को स्वीकार किया और पूरे प्रदेश के अंदर हमने अपने किसान कांग्रेस साथियों जवाबदारी दी कि गांव-गांव जाकर लगभग 1.5 लाख लोगों को हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस से जोड़ें। उसके लिए हमने काम किया और हमारे साथियों ने उसमें निरंतर प्रयास किए। आज उन जिन साथियों ने सदस्यता फार्म भर लिए थे सूची सहित, वो लोग हमारे पास लाए हैं समीक्षा बैठक में, अब उनके साथियों के फार्म हम जमा कर रहे हैं। डिजिटल सदस्यता अभियान में भी आपके किसान कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनकी क्या अहम भूमिका रहेगी? देखिए हमारा अभी तक हम लोगों को OPT कोड नहीं मिला है, सूची हम 15-20 दिन पहले जमा कर चुके हैं कि हमारे 114 लोगों को डिजिटल मेंबरशिप से जोड़ा जाए और हम जैसे जुड़ेंगे तो हमारे साथी उसमें भी निरंतर जाके गांव-गांव जाकर, भले ही हमारा लक्ष्य ये होगा कि एक गांव में एक को बनाए पर हम जाके गांव में ही जाके बनाएंगे। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।